के घर एक आदमी पुलिस लेकर पहुंच जाता है। अरे साहब जी, कल तक तो यहीं पर रहते थे दोनों पति पत्नी, लेकिन आज मुझे धोखा देकर ना जाने कहां भाग गए। उस आदमी की बात सुनकर पुट्ठा के पड़ोसी उस आदमी के पास आते हैं। अरे साहब, आप यहाँ और ये पुलिस, आखिर माजरा क्या है? अरे पहले तुम ये बताओ कि वो पुट्ठा और उसकी पत्नी कहाँ है? अरे वो दोनों तो अपने नए घर में रहने के लिए चले गए। क्या, मुझसे धोखाधड़ी करने के बाद उन्होंने नया घर भी ले लिया? देखिए देखिए साहब, वो कितना बड़ा चालबाज था, वो पुट्ठा कहीं का। तभी गांव के सरपंच और भी बहुत से आदमी वहां पर आ जाते हैं। अरे क्या हुआ भाई, यहाँ पुलिस क्यों आई हुई है? अरे सरपंच साहब, आपके उस धोखेबाज पुट्ठा की वजह से। अरे पर भाई क्या हुआ, आखिर माजरा क्या है बताओ। हाँ हाँ भैया, क्या हुआ और किस बात की धोखेबाजी कर दी उसने? कुछ दिन पहले मैं आपके गांव से गुजर रहा था, तब पुट्ठा नुक्कड़ पर बैठकर कुछ बच्चों को कहानी सुना रहा था, या यूं कहें कि लंबी लंबी फेंक रहा था। अरे राजू, ए तुझे पता है मैं इतना गरीब कैसे बना? कैसे बने? तुम्हें पता है, मैं एक बहुत अमीर सेठ था, पूरे गांव में सबसे ज्यादा पैसे वाला। मैं मुट्ठी भर पैसा तो हर किसी को ऐसे ही बांटता फिरता था। सभी बच्चे उसकी बातें पूरे ध्यान से सुन रहे थे। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन फिर मेरे घर में एक भिखारी आया और रोते हुए कहा कि मेरा बच्चा बहुत बीमार है और मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। तो मैंने उसे अपनी आधी जमीन दान कर दी। और आधी जमीन? अरे एक दिन गांव में मंदिर बनाने के लिए कुछ लोग चंदा मांगने आए थे, तो मैंने उन्हें दान कर दी। पुट्ठा की सारी बातें दूर खड़ा एक आदमी सुन रहा था। अरे वाह, कितना दानी इंसान है, सारी जमीन दान कर दी। तभी पुट्ठा की पत्नी शर्मीली वहां पहुंच जाती है। तुम फिर से शुरू हो गए लंबी लंबी फेंकने में, कोई काम धंधा ढूंढते नहीं है। यहाँ पर बच्चों के साथ बैठने से घर का सामान नहीं आ जाएगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अरे शर्मीली, मैं बच्चों को रोज रोज कितनी अच्छी अच्छी कहानी सुनाता हूँ, है ना बच्चों? हाँ, हाँ। अच्छा, भागते हो या नहीं? फिर कमर पर दोनों हाथ रखकर पुट्ठा को गुस्से में घूरती है। पुट्ठा उसे बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह देख रहा था और उसके पीछे पीछे घर जाने लगता है। शर्मिली, तुमने खामखा मुझे सबके सामने डांट दिया, बता रहा हूँ, तुम्हें मेरी इज्जत ही नहीं है। तुम देखना, एक दिन तुम्हारा पति इतना बड़ा काम करेगा कि तुम पूरी दुनिया से कहोगी कि ये मेरा पति है, मेरा। अरे मुझे किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया मुझ पर ही हंसेगी। दोनों की कहा सुनी के बीच दरवाजे पर खटखट होती है। दोनों दरवाजे की तरफ देखते हैं तो एक 50 वर्ष का आदमी खड़ा था, जिसकी आंखों पर मोटा चश्मा था, सिंपल पैंट शर्ट और नेहरू जैकेट के साथ कोल्हापुरी चप्पलें पहनी हुई थीं और हाथ में एक किताब और कंधे पर झोला टांगे हुए था। नमस्ते, मेरा नाम घनश्याम है। नमस्ते नमस्ते जी, आप कौन? पहले कभी नहीं देखा। मैं पास के गांव में रहता हूँ, मैं एक बहुत बड़ी राइटिंग एजेंसी के लिए काम करता हूँ और नामी लेखक हूँ। मैं जब गांव से निकल रहा था तब मैंने आपके पति की कहानी सुनी। अजी ये तो उनकी पुरानी आदत है, गांव के सभी लोगों को ऐसे ही बहकाते रहते हैं। जी वो तो मैंने देख लिया, पर मुझे भी एक ऐसे ही आदमी की तलाश थी। देखा शर्मिली, किसी को तो मेरी कदर हुई। वो मुझे अपनी एक नॉवेल के लिए कहानी लिखवानी थी, तो मैं चाहता हूँ कि पुट्ठा जी आप उसके लिए एक कहानी लिख दीजिए। पुट्ठा बहुत खुश हो जाता है। ये लीजिए, पूरे 2500 हैं पेशगी, काम पूरा हो जाने के बाद 3000 और मिलेंगे।
आशा करता हूँ कि मुझे जैसी कहानी चाहिए आप बिल्कुल वैसी ही लिख कर देंगे। इसमें लिखा है कि मुझे कैसी कहानी चाहिए। मैं एक हफ्ते बाद उसे लेने आ जाऊंगा। नमस्ते। और आदमी वहां से चला जाता है। शर्मीली और पुट्ठा दोनों मुंह फाड़े वहां पर खड़े थे। थोड़ी देर बाद शर्मीली को होश आता है। 1,000, 2,000 और पूरे 2,500। वाह वाह, मेरे आलसी कामचोर निठल्ले पतिदेव, आज तुम्हारी बड़ी बड़ी डींगे हांकने की वजह ने तो जादू कर दिया। कहां हमारे पास एक वक्त का खाना खाने के इतने पैसे नहीं थे, और आज मेरे हाथ में पूरे 2,500 रुपए हैं। ओए शर्मिली, मुझे तो पता ही था कि एक दिन किसी ना किसी को तो मेरी कदर होगी होगी, और अब आज देखो एक रास्ते पर चलते हुए आदमी को मेरी कदर हो गई। लेकिन तुम मेरे साथ इतने सालों से हो, तुम्हें मेरी कदर आज तक नहीं हुई। इसीलिए कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। अच्छा जी ठीक है, आज मैं आपकी पसंद का खाना बनाऊंगी। बहुत दिन हो गए पालक पनीर नहीं खाया, आज पालक पनीर और पराठे बना देना समझी, और उसके साथ साथ पुदीने की चटनी भी बना देना। आप जो बोलोगे मैं हर रोज वही बनाऊंगी, बस आप काम पर ध्यान दो। अच्छा आप जल्दी से अपना काम शुरू करो, मैं तब तक पनीर लेकर आती हूँ। फिर शर्मीली कुछ पैसे लेकर बाजार के लिए निकल पड़ती है। अरे भाई साहब, 250 ग्राम पनीर और ये जो लिस्ट में सामान लिखा है ना, सब दे दो। अरे शर्मीली भाभी, पुट्ठा की कोई लॉटरी लग गई है क्या, जो इतना सारा सामान एक साथ लेकर जा रही हो? अरे ऐसा ही समझ लो, मेरे पति की नौकरी लग गई है। पास में बैठा एक आदमी पानी पी रहा था। शर्मीली की बात सुनकर वो अटक जाता है और खांसने लगता है। क्या पुट्ठा की नौकरी लग गई? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? अरे हाँ हाँ, सच में भाई साहब, उनकी नौकरी लग गई है, और जिन्होंने उन्हें नौकरी दी है ना, उन्होंने पेशगी में 2,500 रुपए भी दिए हैं। 2,500 रुपए? शर्मिली सामान लेकर घर चली जाती है, और देखते ही देखते बात पूरे गांव में फैल जाती है। जो भी सुनता वो आश्चर्यचकित रह जाता। अरे भाई तूने सुना, पुट्ठा की नौकरी लग गई है, और जिसने उसे नौकरी दी है उसने पेशगी में 2,500 रुपए दिए। क्या 2,500 रुपए और पुट्ठा की नौकरी, सच में? अरे हाँ सच में, शर्मीली भाभी ने बताया। वाह 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 वाह, अभी तो मैंने कुछ करना ही शुरू नहीं किया और मुझे 2,500 रुपए मिल गए। जब काम करने लगूंगा तब तो मैं पैसों पर सोऊंगा पैसों में। शर्मीली के लिए अच्छी अच्छी साड़ियाँ लेकर आऊंगा, वो एक साड़ी को बस एक ही बार पहनेगी, जैसे फिल्मों में होता ना, बिल्कुल वैसे ही। और थोड़े ही वक्त में अमीर आदमी बन जाऊंगा मैं। फिर सबको मेरी कदर होगी, सब लोग मुझे सलाम करेंगे, सलाम, सब लोग मेरी इज्जत करेंगे। वाह वाह वाह, तेरी तो चांदी चांदी होगी। वैसे ये लिखते लिखते हाथों में दर्द होने लग गया। आई, और पेन रख देता है, और पुट्ठा को नींद आने लगती है। तभी बाहर से आवाज आती है। अरे ओ पुट्ठा, अरे बाहर निकल। पुट्ठा सक पकाया हुआ नींद में से उठता है। अबे कौन है भाई जो इतनी बेसुरी आवाज में आवाज लगा रहा है? ए यार, ठीक से सोने भी नहीं देते यार। अरे क्या हुआ, तुम सब एक साथ मेरे घर? अरे कोई बात हुई है क्या? बात नहीं भैया, बहुत बड़ी बात हो गई है। सुना है कि तुम्हारी नौकरी लग गई है। अरे हाँ हाँ, मेरी नौकरी लग गई है। अब बताओ क्या काम है? अरे भाई, पिछले 3 साल से उधार लेकर रखा है, अब तो लौटा दो, अब तो तुम्हारी नौकरी भी लग गई है। सभी लोग अपने अपने पैसे मांगने लगते हैं। अरे धत्तेरे की, अबे तो चुप करो ना, हैं? गांव बसा नहीं कि भिखारी पहले से भीख मांगने के लिए आ गए? अरे जा जाओ यहाँ से, मैं कोई तुम सब में पैसे बांटने के लिए थोड़ी कमा रहा हूँ। सब लोग फुसफुसाते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। तुम्हारा नाम मनोहर है ना,
मैंने सुना है कि तुमने काफी पढ़ाई करी है और बेरोजगार इधर उधर घूम रहे हो। हाँ काका, अब क्या करें, कहीं नौकरी ही नहीं मिल रही। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें नौकरी दे सकता हूँ। क्या आप और नौकरी? हाँ, मैं जो भी बोलूंगा, तुम्हें बस वो लिखना है, मैं तुम्हें 200 रुपए दूंगा पूरे। ठीक है काका। अगले दिन ये लो चाय। और कितना काम बचा है आपका? काम? अरे वो तो बहुत बचा है, अभी तो मैंने शुरू किया है। लाओ मैं भी तो पढ़ूं कि क्या लिखा है तुमने। अरे वो अभी पूरा काम नहीं हुआ ना, तो तुम अभी देखकर क्या ही करोगी। जब मैं पूरा लिख लूंगा ना, उसके बाद तुम आराम से देखना है, तब ज्यादा मजा आएगा ना पढ़ने में। वैसे मैंने मनोहर को बुलाया था, वो लिखने में मेरी मदद कर देगा। हाँ बात तो आप सही कह रहे हो, समझदार हो गए हो आजकल बहुत ज्यादा। अरे आओ मनोहर, बस तुम्हारा इंतजार हो रहा था। और उसे कॉपी और पेन पकड़ा देता है। देखो भाई, अब मैं जो जो बोलूँ बस चुपचाप वही लिखते जा रहे हैं। और हाँ, बीच बीच में सवाल मत पूछना, वो क्या है ना, फिर मैं भूल जाता हूँ। तो बस अब तुम्हें सिर्फ हाथ चलाना है, मुंह नहीं, समझे। राजकुमारी राजकुमार से अपने प्यार का इजहार करने के लिए पहुंच जाता है, राजकुमारी भी शर्मा कर अपनी आंखें नीचे झुका लेती है। अरे काका वो अब। अरे मनोहर, मैंने तुझसे पहले ही कह दिया था ना कि तू अपना हाथ चला, मुंह नहीं। अब देख भूल गया ना, अब फिर से मुझे याद करना पड़ेगा। अब अपना मुंह बंद रखना और मैं जो जो भी बोलूं तो लिखते जाना, ठीक है? हाँ, तो राजकुमारी अपनी आंखें नीचे झुका लेती है, फिर राजकुमारी राजकुमार से प्यार का इजहार कर देगी। तभी शर्मीली वहाँ पहुँच जाती है। अच्छी सुनिए, मैं सोच रही थी कि मेरे लिए एक जोड़ी पायल ले लूं। अरे शर्मीली, तुम्हारा नाम शर्मीली किसने रख दिया भाई? है? तुम अपने नाम के बिल्कुल विपरीत हो। तुम औरतों को हम मर्दों की तो कोई परवाह नहीं है, बस दिन भर खर्चा खर्चा खर्चा, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं काम कर रहा हूँ। और तुम औरतों को तो ऐसा आदमी चाहिए जो तुम्हारे आगे पीछे बस तुम बनाकर घूमता रहे। अब जाओ यहाँ से, मैं काम कर रहा हूँ अभी। पुट्ठा जो भी कह रहा था मनोहर वो लिखते जा रहा था। और ऐसे ही मनोहर कहानी के साथ साथ पुट्ठा और शर्मीली के बीच की बहस भी लिखता चला जाता है। पुट्ठा मनोहर के जाने के बाद लिखे हुए कागज को देखता है। अरे वाह मनोहर, तू तो छा गया, पहले ही दिन कितने सुंदर अक्षर लिखे। वैसे जब मैं ये काम खत्म कर लूंगा ना, तो और भी काम मिलेगा और पैसों की बरसात होगी, और उन पैसों से मैं घर लूंगा और उसमें नौकर चाकर होंगे। तभी शर्मीली वहाँ पहुँच जाती है। अजी सुनिए, हमें साथ में बाहर जाए कितने दिन हो गए, आज चलो ना कहीं बाहर चलते हैं। बिल्कुल, वो जो नुक्कड़ पर नई पानीपुरी वाली दुकान खुली है ना, आज रात को वहाँ पानीपुरी खाने जाएंगे। हाँ, और उसके बाद सिनेमा भी, तू जा रहेगी वहाँ चलेंगे। ऐसे ही दोनों बातें करने बैठ जाते हैं और पैसे मिल जाएंगे उसके बारे में सोचने लगते हैं। रात को शर्मीली और पुट्ठा दोनों गोलगप्पे खाने के बाद सिनेमा देखने जाते हैं। तभी शर्मीली बाहर से कुछ झोले लेकर आती है। देखिए, मैं आपके लिए नया कुर्ता और अपने लिए एक साड़ी लेकर आई हूँ। देखिए मैं कैसी लग रही हूँ। शर्मिली, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। देखिए, मैं हम दोनों के लिए एक ही कलर के कपड़े लेकर आई हूँ। अगले महीने मेरी बुआ की लड़की के लड़के की शादी है ना, तो वहाँ यही पहन के चलेंगे और बड़ा सा तोहफा भी लेकर चलेंगे। मुझे हर बार ताने मारती रहती है ना,
इस बार मैं भी उसे दिखा दूंगी कि मेरा पति भी कमाता है। क्या वो मोटी तुम्हें ताना मारती है? हाँ और नहीं तो क्या, वो जब भी मिलती तब मुझे कहती कि तुम्हारा पति तो कुछ कमाता नहीं और अपने पति की बड़ाई करती रहती है। पर अब मैं भी बता दूंगी कि मेरा पति भी काम करता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कल वो आदमी फिर से आएगा। आपने सब कुछ लिख लिया है ना? हाँ हाँ लिख लिया। अच्छा सुनो, वो जो जमींदार का बेटा है ना, उससे मैंने घर के बारे में बात की है। एक दो दिन में घर हमारा। अरे वाह, अच्छा हुआ कि एक नया घर ले लिया। वैसे भी इस घर से तो पानी टपकता रहता है। अगले दिन वो आदमी फिर से आता है। आइए भाई साहब बैठिए। और उसे चाय नाश्ता देती है। अजी देखिए, घनश्याम भाई साहब आ गए हैं। पूरा काम हो गया है ना? हाँ हाँ हो गया। और ये लीजिए। उसे एक लिफाफा दे देता है। पूरे 3,000 रुपए है भाई साहब। और भी कुछ काम होगा ना? अगर हो तो इन्हें जरूर दे देना। पहले मैं अपनी राइटिंग एजेंसी को ये वाली कहानियाँ दिखाऊंगा। अगर उन्हें पसंद आई तो फिर और भी कहानियाँ मिलेंगी और उनकी भी आपको बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। अच्छा अब मैं चलता हूँ। और वहाँ से चला जाता है। 3,000 रुपए? अरे साला मैं तो साहब बन गया है। इन पैसों से सबसे पहले मैं घर का पूरा राशन लेकर आऊंगा। तुम्हें जो जो भी सामान चाहिए वो तुम सब बता दो, मैं तुम्हारे लिए भी आज कुछ लेकर आऊंगा। अब मैं क्या सोच रही थी, एक चांदी की अंगूठी बनवा लूं। अरे चांदी की क्यों है, अरे सोने की अंगूठी दिलवाऊंगा तुझे। अब तो मैं कमाने लग गया हूँ। वैसे हमें आज शाम को ही हमारे नए वाले घर में जाना है। मैंने पंडित जी से पूछा था तो उन्होंने शाम का अच्छा मुहूर्त बताया था। क्यों नहीं, मैं अभी अपना सारा सामान बांध लेती हूँ। शर्मीली और पुट्ठा घर भर का सारा सामान लेकर नए घर में चले जाते हैं। और जब मैंने राइटिंग एजेंसी जाकर देखा तो या तो आधे से ज्यादा कागज खाली थे और अगर कुछ लिखा था तो उसमें कुछ और ही था। अच्छा तो मतलब पुट्ठा की बेवकूफ बनाने वाली आदत अभी तक गई नहीं। चलो मैं लेकर चलता हूँ आपको पुट्ठा के यहाँ। चलो चलो। इधर पुट्ठा अपने नए घर में लेटा हुआ था। शर्मीली उसके लिए ग्लास में पानी लेकर आती है। आप थक गए होंगे, लीजिए पानी और मैं आपके पैर दबा देती हूँ। अरे वाह, पैसों से इतनी इज्जत मिलती है, ये तो मुझे आज ही पता चला। जो बीवी मुझसे गुस्सा किए बिना बात तक नहीं करती थी वो आज बातों से ही शहद घोल रही है। शर्मीली उसके पैर दबाने लगती है। फिर घनश्याम और बाकी गांव के लोग वहां आ जाते हैं। अरे भाई साहब आप, अच्छा आप फिर से इन्हें कोई काम देने आए होंगे ना? ये क्या किया तुमने, मुझे खाली पेपर पकड़ा दिए। शर्मीली चौंक जाती है। मैंने तुम्हें प्रेम कहानी लिखने के लिए कहा था लेकिन तुमने प्रेम कहानी की जगह झगड़ा आई डाल दिया और बाकी के कागज खाली भरकर ही दे दिए। इन खाली पेपरों का मैं क्या करूं? अरे घनश्याम भाई साहब, आप भी ना समझते नहीं हो मेरी भावना। प्यार बस शादी से पहले ही रहता है, बाद में तो झगड़ा झगड़ा होता है। अच्छा और वो जो बूढ़े आदमी की कहानी के लिए बोला था उसका क्या? अब जो पहले से ही मरने वाला है उसके ऊपर क्या लिखूंगा बताओ। सभी लोग सच ही कहते हैं तुम्हारे बारे में कि तुम बिल्कुल निकम्मे हो, पर मैंने गांव वालों की एक नहीं सुनी।
और तुम्हें यहाँ काम देने चला आया। सब मेरी ही गलती है। अरे बेवकूफ इंसान, वो आदमी तुम्हें घर पर काम देने के लिए आया, लेकिन तुमसे वो भी ना हुआ। और मैं पूछती रही, लेकिन तुमने मुझे भी कुछ नहीं बताया। पुट्ठा पर जैसे उसकी बात का कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। वैसे तुम उसे छोड़ो, तुम मेरे पैर दबा रही थी ना। अरे पहले तो मैं सिर्फ तुम्हारे पैर दबा रही थी, अब मैं तुम्हारा गला दबाऊंगी। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर साहब, आप ले जाइए इस आदमी को और मेरी तरफ से फांसी लगा दीजिए। पुट्ठा को पुलिस पकड़ लेती है। अरे अरे तुम बीवी हो या जल्लाद? अरे अपने ही पति को फांसी लगाने की बात कर रही हो है? अरे विधवा हो जाओगी, विधवा, बता रहा हूँ। अरे तुम जैसे पति से तो अच्छा है कि मैं विधवा ही हो जाऊं।